Hello students, I hope you all enjoyed your vacation. My name is Vishwa Somni and I am your English teacher. I am taking class 4. So before I start with the chapter, let me give you some brief about the chapter. So the chapter's name is The World Around Us. World Around Us ka matlab hota hai दुनिया जो हमारे आजू बाजू में या हमारे सराउंडिंग में है। तो हमारे सराउंडिंग में क्या चीज़ें हैं, हम जहाँ पे रहते हैं और हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं हमारे आसपास में, वो सारी चीज़ें हुई वर्ल्ड अराउंड अस। ओके, अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, मैं अभी क्लास में हूँ, क्लास में मेरे आजू बाजू में क्या है, तो मेरे पास में या मेरे आजू बाजू में बेंच, बोर्ड। अगर मैं क्लास के बाहर देखूं तो ट्रीज, एनिमल्स, कार्स एंड सन, ह्यूमन बींग्स आर देयर। तो अगर हम लोग सोचें कि ये सारी चीज़ें है क्या, तो ये सारी चीज़ें होती है लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग मीन्स वॉट, लिविंग का मतलब क्या है, थिंग्स विच हैव लाइफ इज नोन एज लिविंग एंड थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ इन इट इज नोन एज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो हमारी दुनिया बनती है दो कंपोनेंट्स से, तो वो है लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ओके, ये सारी चीज़ें पहले आप पढ़ चुके हैं, लेकिन ये ब्रीफ देने का मतलब ये है कि आपने जो पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। अब आप लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि लिविंग का और नॉन लिविंग का एक पैटर्न बना सकते हो और आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूँ कि लिविंग ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं और नॉन लिविंग कौन से हैं, तो सब लोग आंसर दे सकते हैं कि लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते कौन हैं। ऑब्वियसली ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा। एंड नॉन लिविंग, मैंने जैसे पहले एग्जांपल्स दिए थे, बोर्ड, टेबल, फिर चेयर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग है। ओके, सो स्टार्ट करें चैप्टर 1 को। तो शुरू करते हैं चैप्टर 1, द वर्ल्ड अराउंड अस, एक्टिविटी 1, द फेडिंग ग्लोरी ऑफ द अर्थ। फेडिंग का मतलब होता है गुम हो जाना। ग्लोरी का मतलब होता है महत्व, ऑफ द अर्थ, अर्थ का महत्व, महत्व गुम हो जाना। लॉन्ग लॉन्ग अगो द अर्थ वॉज ग्रीन एंड क्लीन। बहुत बहुत टाइम पहले अर्थ ग्रीन और क्लीन हुआ करती थी। इट प्राउडली कैरीड एंड नर्चर्ड अ नंबर ऑफ ट्रीज। नर्चर्ड का मतलब होता है न्यूट्रिशन देना। प्राउडली मतलब बहुत प्राउड से। तो हमारी अर्थ बहुत टाइम से प्राउडली नर्चर कर रही थी बहुत सारे ट्रीज को। बट आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम का मतलब होता है कुछ समय के बाद, समवन इन्वेंटेड मशीन्स टू मेक लाइफ कंफर्टेबल। किसी ने इन्वेंट किए थे मशीन्स को लाइफ को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए। वो कैसे, मशीन्स अगर ना हो तो आप कभी सोच सकते हो कि आपकी लाइफ इजी हो सकती है? नहीं। क्यों?
क्योंकि अगर एक एग्जांपल देखें तो बाइसिकल एक मशीन है। क्या आप सोच सकते हो कि बाइसिकल के बिना आप कहीं जल्दी जल्दी पहुंच सकते हो? नहीं, नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए इंसानों ने इन्वेंट किए थे मशीन्स। अगर चेन देखें, बैग की चेन, तो वो भी एक सिंपल मशीन है। अगर चेन ही ना हो तो बैग कभी हम लोग कैरी कर सकते हैं सामान के साथ? नहीं। इसीलिए मशीन्स इन्वेंट हुए थे। द मशीन्स वर यूज्ड एंड लाइक बाय मैनी। सीधी सी बात है, कौन मशीन नहीं चाहेगा? अगर मशीन ही ना हो तो लाइफ बेकार हो जाएगी, हमारी लाइफ इजी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हाउएवर मतलब ये होने के बाद क्या हुआ आगे? वी नाउ रियलाइज दैट द अर्थ गेट्स वार्मर एंड हैज लेस नेचुरल ब्यूटी। अभी हमें पता चल रहा है, रियलाइज का मतलब होता है पता चलना, दैट द अर्थ गेट्स वार्मर कि अर्थ गर्म हो रही है, वार्मर का मतलब होता है गर्म होना, एंड has less natural beauty, less का मतलब होता है कम होना, natural beauty कम होना। जैसे जैसे machines use हो रहे हैं वैसे वैसे अर्थ गर्म हो रही है और उसके कारण natural beauty कम हो रही है। पर वो कैसे? हम लोग vehicles use करते हैं petrol के साथ, तो petrol का धुआँ जाता है एटमॉस्फेयर में, तो उसके कारण हमारे जो अर्थ है उसके सराउंडिंग में टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसी वजह से अर्थ गर्म हो रही है। द सन्स रेज रीच द अर्थ इजीली एंड डैमेज हर ब्यूटी, और उसी के कारण जो अर्थ के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है वो डैमेज हुआ है और उसी के कारण हमारे जो सनरेज है वो डायरेक्टली सन से अर्थ पे आते हैं। दिस हैज ऑल्सो लीड टू चेंज इन फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट लाइफ एंड फौना का मतलब होता है एनिमल लाइफ, तो उसी वजह से फ्लोरा और फौना के अंदर भी चेंजेस आए हैं। कैसे? हम लोग जो प्लांट्स और एनिमल्स का जो नेचुरल हैबिटेट होता है उसे डैमेज कर रहे हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए। अगर बिल्डिंग बनाने के लिए फर्नीचर ही नहीं है अंदर की ओर, या तो वुडन ब्लॉक्स नहीं है बिल्डिंग को सपोर्ट करने के लिए, तो बिल्डिंग बन पाएगी? नहीं। तो वो आता कहाँ से है? ऑब्वियसली फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट में होता क्या है? प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ। तो सीधी सी बातें, इसी तरह से फ्लोरा एंड फौना डैमेज हुए हैं। टुडे टॉक्सिक मटेरियल्स आर फाउंड एवरीवेयर। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरी, मटेरियल्स मतलब सब्सटेंसेस। टुडे आज के दिन में टॉक्सिक मटेरियल्स हर एक जगह पे पाए जाते हैं। एवरीवेयर का मतलब होता है हर एक जगह पे, फाउंड मतलब पाए जाना, तो टॉक्सिक मटेरियल्स हर एक जगह पे मिलते हैं। The pollutants are in present the air, water and land. Pollutants का मतलब होता है जहरी कचरा, कचरा जिसमें गंदे particles हो या waste particles हो वो कहलाते हैं pollutants, जो दूसरी चीज़ों को खराब करे वो होते हैं pollutants। वो हर एक जगह पे प्रेजेंट है। कहाँ कहाँ पे? तो एयर, वाटर एंड लैंड। समवन
is driving a vehicle, then vehicle will produce smoke. So smoke produce होगा तो air गंदी होगी. अगर कचरा पानी में डालेंगे तो water गंदा होगा और कचरा जमीन पे डाले तो land पे. तो इस तरह से हमारी earth गंदी हो रही है. आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि अर्थ के मुंह में थर्मोमीटर है. क्यों? क्योंकि अर्थ बहुत परेशान है और उसका टेम्परेचर बढ़ा जा रहा है. ओके, सो दिस इज़ अप फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.